हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर चैनल ब्लूपर लाइफ। आज आप लोगों ने टाइटल से पढ़ लिया होगा, मेरी बहन का बर्थडे है। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड फॉर इट, क्योंकि दीदी का बर्थडे एक ही बार आता है साल में। अभी दीदी के फ्रेंड्स आने वाले हैं। सबसे पहला फेज यही है कि दीदी फ्रेंड्स आ रहे हैं अभी उसे विश करने के, और उसे ये पता नहीं है। लेट्स वेट फॉर द सरप्राइज। ओह माय गॉड, अनएक्सपेक्टेड। हमें कोई आइडिया नहीं था, पता ही नहीं था। बढ़िया, इधर से देख रहे थे ना? नहीं देखा, इधर से पता लग गया। तूने फोन पता लग गया था, तूने मम्मी को भी फोन किया और फोन मेरे सामने खड़ा था। ओके यार, पता लग गया मुझे, पता है ये क्यों फोन कर लिया। प्लानिंग इतनी बढ़िया है आप लोगों की। फिर इसने मुझे कहा तू जाओ जाओ। सो गाइस, दीदी की रिक्वेस्ट थी कि उसे एक रात पहले उसके बर्थडे से क्वाब रोल खाना है, जो कि सबसे बेस्ट मैं बनाता हूँ। ये शिमला मिर्च, ये अनियंस, यही दो वेजिटेबल्स हैं दीदी को अपने रोल के अंदर पसंद है, तो अब हम इसमें कुक करेंगे। यहाँ रेडी हो गए हैं दोनों गर्ल्स के लिए ड्रिंक। एक प्रोफेशनल शेफ की लाइफ कितनी टफ है। अभी तक तो प्रोफेशनल शेफ बना नहीं है, जिस दिन बनेगा उस दिन क्या करेगा। उदय के बर्थडे में दीदी क्या करेगी वो हम देखना ज्यादा पसंद करेंगे, क्योंकि दीदी को कुकिंग आती नहीं है। प्री बर्थडे का तो पिछले 1 मंथ से है। 15 दिन पसंद आया रोल तो कॉम्प्लीमेंट कर देना, अगर नहीं आया तो उसे इंगल्फ करके उन फीलिंग्स को खा लेना। अभी फिलहाल हम बहुत टेंशन में हैं। हे गाइस, अब मैं नीचे बैठी हूँ और वो लोग ऊपर रूम में हैं। जैसे कि आप उन्हें देख लिया है, मेरी बहुत ही ज़्यादा क्लोज फ्रेंड आई है, शी लाइक अ सिस्टर टू मी। छोटी है वो मेरे से, मेरे बर्थडे को स्पेशल बनाने के लिए आई है। आई एम वेरी वेरी हैप्पी, आई लव हर सो मच एंड आई एम वेरी ग्लैड कि वो आई है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। आई एम गोइंग टू टर्न 20। मैं एक्साइटेड भी हूँ, बट देन पता नहीं, अजीब सी घबराहट हो रही है अंदर से कि हम मतलब बड़े हो रहे हैं, अब करियर पे कुछ करने का प्रेशर है एंड काइंड ऑफ दैट। अभी उदय सर के टेस्ट चढ़ गया है, पर वो फिर भी काम कर रहे हैं, हार्ड वर्किंग। सो फिलहाल मैंने थोड़े से कपड़े चेंज कर लिए हैं, बिकॉज दे वांटेड मी टू। मैं थोड़ा सा लाइट सा मेकअप करूँगी ताकि पिक्चर्स थोड़ी अच्छी आएँ, और हम शूट भी कर रहे हैं, व्लॉग भी बना रहे हैं। सो तो अभी टाइम हो गया है 11:57। केक्स लेके चलते हैं हम। And this one मोटी, ये वाला केक। जर्दे वाली जैस्मिन को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। चल केक काट ले। दृष्टि वगैरह ने सबने केक भेजा है। कहाँ भेजा है? ये देख, ये सब उनका ही है, डोनट्स भी और केक भी। ये केक मैंने देख लिया था स्टोरी पे, वैसे मेरे को लगा था कि शायद मेरे लिए ही है, पर फिर मैं क्या कोई और जैस्मिन भी हो सकती है, यू नेवर नो। टू यू हैप्पी बर्थडे डियर जैस्मिन। गर्म क्यों लग रहा है? हो जाता है, इम्पोर्टेंस मिलती है ना तो हो जाते हैं लोग। बहुत बहुत मेहनत किया है निष्ठा ने, एनुअली मतलब एक्चुअल में जो गिफ्ट होता है वो ये होता है कि इतना हार्डवर्क किया है ना, उसको बोलते हैं कि बाय हार्ट उसने वो गिफ्ट दिया। ओपन इट, कितना स्वीट है, सो 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 स्वीट। आते से होता गंदी चर्चा है जो याद रखने वाली होती है। यस, तू तने प्रेम करूं छू। सू तने नहीं होता, हूँ तने। ये हमने मोटी लिखना था गुजराती में, पर लाइन बच गई हिंदी होगी, मोटी हो गया। ढंग से गा, जोर से। लाउड स्पीकर में है क्या? नहीं नहीं। हैप्पी बर्थडे टू यू। यस स्वामी। ये पकड़ने वाला कोशिश नहीं लग रही। ओह गॉड, थैंक यू सो मच। बहुत ही ज्यादा प्यारा है ये, बहुत ही ज्यादा प्यारा। मैं थोड़ी सी इमोशनल भी हो गई। से हाय टू माय व्लॉग। हाय, सब्सक्राइब टू ब्लूपर लाइफ। आई लव यू। ये है रीजन्स वाई आई लव यू, रिमेंबर व्हेन डेयर्स टाइम पास, कंप्लीट द डायलॉग। सेकेंड है यू कांट फील मी बट आई एम देयर होल्डिंग योर हैंड थ्रू इट ऑल। ये जो चुड़ैलसी औरत बैठी है इस कैमरा के पीछे, उसका हाथ है ये, और इस पर हाथ रख के मैं इसको फील कर सकती हूँ। और ये बहुत ही डफर है क्योंकि इसने इसको खुद ही तोड़ दिया इसके ऊपर बैठकर, तो ये हम फिक्स कर लेंगे बाद में, सो दैट्स फाइन। सो इसको मैं ऐसे हाथ रख के इसको फील कर सकती हूँ। हे गाइस, तो हम उठ चुके हैं, इट्स 9:41, मतलब मैं 8:45 पे उठ गई थी, बट अभी टाइम हो गया। आप देख सकते हैं कि कल रात तक ये बहुत ही खूबसूरत नज़ारा था, पर अब ये सब गिर चुका है धीरे धीरे करते हुए। रात को फिर सुबह ये सब गिर गया। लड़की ने सब कुछ जो है वो हैंडमेड बनाया है। आई लव हर सो मच। हमारा बहुत ही स्पेशल सा ब्रेकफास्ट है, तो अगर आप मुझे जानते हो तो आपको अच्छे से पता होगा कि क्या स्पेशल ब्रेकफास्ट मैं ले सकती हूँ। वो ब्रेकफास्ट में खाने वाली चीज़ नहीं है, बट वो मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। हेलो, यस प्रिंसेस। एक्चुअली प्रिंसेस कहना चाहती है कि जो प्रिंसेस की दोस्त है उसको चाय पीनी है, और चाय लेके आने के 10-15 मिनट बाद आप हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट ले आना। हमारा स्पेशल ब्रेकफास्ट आ चुका है गाइस। तो ये है जैस्मिन का आज का लुक, बर्थडे गर्ल विद शरारा सूट, ब्लैक ब्लैक बनी हुई है सारी। मैं मम्मा का गिफ्ट दिखाना चाहूंगी जो मम्मा ने मुझे दिया है। मुझे बहुत टाइम से बहुत अच्छे एयरपॉड्स चाहिए थे, तो मम्मा ने मुझे नॉइज के 100 शॉर्ट्स गिफ्ट किए हैं फॉर माय बर्थडे। कुछ इस तरह है। थैंक यू गाइस, ये है गिफ्ट बाय माय ब्लूपर लाइफ पार्टनर। जीवा ज्वेलरी दी है उसने मुझे। अभी वो है नहीं यहाँ पे बना, वही आप लोगों को दिखाता, वो किसी काम से बाहर गया है। और अभी आंटी बहुत प्यार से अपनी बेटी को, क्योंकि जैस्मिन का कोई बॉयफ्रेंड तो है नहीं, इसीलिए अलोन लाइफ। ओके छेती आ जाओ। लुकिंग गुड। ड्रेस कोड है वो इंडियन है, तो फिर इंडियन है तो मेरे दो दोस्त हैं, दोनों पंजाबी हैं, पर दोनों बस कुर्ते पजामे ही हैं। सोच सकते हो आप, कुर्ते पजामे नहीं है इनके पास, है ना। में जैस्मिन बहुत लंबी लग रही है। हाँ जैस्मिन हाइट लंबी लग रही है आज, हाइट लंबी लग रही है। किधर चल रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं बस, इसको भी नहीं पता, इसको भी नहीं पता। अब करंटली ये हो रहा है कि मेरी बेस्ट फ्रेंड संतन सौगात का सूट खराब हो गया था। संतन दे घर दे बाहर आ रहे हैं तेरे कोड़ा, तो वो रो पिट रही थी थोड़ा सा। हम थोड़ा लेट हो गए हैं, अब हमें पता नहीं है कि हम फॉरेस्ट हिल जाने वाले हैं या नहीं, सो बहुत सारा ब्लंडर्स हो गए हैं मेरे बर्थडे पे। रोती पीटती आंटी आई है। हेलो फ्रेंड। हेलो। मेरे साथ में आज बहुत ही बुरा हुआ। मैंने सुबह कोई और सूट डाला था, मैंने इतने दिनों से प्रिपेयर किया था कि मैं वो सूट डालूंगी, पर पता है मेरे ना की होया, मैं आज जो आई लाइनर लाने लगी सीगी ना, तो शीशे में बंद करती सीगी, पर थोड़ी जी ना टक्कर लूज रह गया, ते मैं पिछे मुड़ी, मेरी चुन्नी वजी आई लाइनर नू, ते मेरा आई लाइनर डिग गया थल्ले, ते मेरा प्लाजो सीगा फ्रिल्लां वाला, ते ओदी सारियां पिछे दियां फ्रिल्लां ते ऐं करके ना लाइन लग गई काली 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 काली। चलो मैं सोचा चलो धो देनी आ, सुक जूगा धुप है, पर धोने के बाद सारा काला हो गया। फ्रेंड्स ये मेरे दुख भरी कहानी थी और मैं नहीं डाल पाई उसको। फिर भी अच्छे लग रहे हो वो, तो चलो शक्ल पे होता है, कोई बात नहीं। ये सुंदर सा केक लेके आए हैं जैस्मिन के लिए। मोटा हो गया हूँ मैं ना, बहुत मोटा हो गया हूँ पहले से। खोपचे में खड़े हैं ये लोग। कितने प्यार भरे दोस्त है मेरे, कितना अच्छा शब्द बोलते हैं मेरे लिए। पिछे वो थोड़ा जी दिस नहीं रहे तुसी लोग, काला भूंड लग रहे हैं। ऐसे घटिया लोग हैं ये, कभी मुझे अप्रिशिएट नहीं कर सकते। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ले हैप्पी बर्थडे। मैं प्यार से रेस्टोरेंट वाला होगा पेड़ में। थैंक यू। चल चलिए वापस। चलो बस हो गया, देख ले, चलो वापस। ए नान गार्लिक। हां नहीं ना कोई है कि लिखिया तो होया यार, इनदा इस पक्के परमानेंट गा गया सानू, मेरी लोड ही नहीं पैंदी। गल इदा हुई कि मतलब सिद्धू साहब जी दा फोन आया, ये नहीं साडे सिद्धू साहब कोरोना वायरस। संगरूर तो आ रहे सी, ऑन द वे ना फोन आया, फोन मैं चक्या, इन्होंने तो पूछा नहीं की हाल चाल है, बहुत लंबी कहानी सुनाएंगे। फिर इन्होंने क्या गड्डी आवाजा कट दी है, झटके मार दी है, चलो वन एंड सेम थिंग। फिर कहता वीरे तुसी जाओ, तुसी देखो गड्डी। मैं अंदरों अंदर ही सोचता रहा सी, मैं क्या मैं मकैनिक है, मैं क्या मनिया मकैनिकल इंजीनियरिंग कर रहा है, पर मैं मकैनिक है, पढ़ाई तो दस नहीं, उम्र भी दस, रिश्ते कट लेंगे। सो फनी भाभी जी। फिर असीं गए, पहुंचा, गड्डी देखी, गड्डी का हिले कि मिले। बोनट खोलिया, बोनट खोलते सरी कोई फायदा नहीं है, कुछ दसन का कुछ नहीं दसिया। ये कहता कि बेल्ट लूज है, ठीक करा ली बस मकैनिक तो। आया बड़ा मकैनिकल इंजीनियर, लंत है इदां दे प्रॉब्लम है भी नहीं थी बेटे, आपकी एजुकेशन ठीक नहीं है भाई। इधर रखी यार, मेरा केक आ गया है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर जैस्मिन। एग्जैक्टली दिस, आई एम जस्ट 2 इयर्स ओल्ड। अकल मैं खाऊंगी, खुद खाएगी और किसी को खाने नहीं देगी। खा ले, खा, एक और खा ले। यम यार, कुछ गड़बड़ हुई तो दस नहीं, तुम दस नहीं करना। तुम तेरी फोटो खा लिया फिर गोरा कर लो इनू बेटे, फोटो तो अपनी पैर मैं कैसे करूं यार, नाखरे देख रहे हैं ना दे। मैं तंग आ गया, मैं एक फोटो नहीं खींची अभी तक। नहीं लुकिंग गुड की होगा ना। लोग मैं बहुत सारे खींचे हैं, यू कैन सी। मैं चलिया, मैनू पहन गया। मैं उधर से गैप आंदा पिया, मैं उधर से चल चलन दे दो। चल जी, अपने बाल जी ऐदा नहीं, ऐदा उड़ा देंगे तू बस। जो फोटोग्राफर रेडी, मॉडल रेडी, चुन्नी उड़ाई रेडी। यस रेडी, 2 1 गो। कुछ भी कर, कुछ वीडियो हो रही है, वीडियो हो रही है, फोटो हो रही है। अपने केक का काम खुद करो। चलो एक मिनट, हम फ्री नहीं, हम सुबह से बिजी हैं। अच्छा हाँ, डायरेक्टली 50 के आदमी अंदर पेट के। पर बचपन का हर झगड़ा पर सब गाइस, ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ काफी बाद में, बिकॉज 9th की रात को घर वापस आके फैमिली सेट करने के बाद मैं बहुत टायर्ड हो गई थी। और मैंने सब लोगों के रिप्लाई भी करने थे, सब लोगों ने इतनी प्यारी प्यारी विशेस मुझे भेजी थी, स्पेशली आप लोगों ने। आई लव यू ऑल सो मच, थैंक यू सो सो मच फॉर ऑल योर लवली विशेस। अभी तक भी विशेस आ रही हैं, मम्मा के इंस्टाग्राम पे भी, मम्मा ने जो यूट्यूब वीडियो डाली है उसके ऊपर भी। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी। उसके बाद नेक्स्ट डे 10th को मुझे थोड़ा अच्छा फील हो रहा था, बिकॉज 2 दिन से मैं सोई नहीं थी अच्छे से, सो आई हैड टू टेक सम रेस्ट। तो 11th को फिर मैं अपने कुछ फ्रेंड्स को मिली, जो आप अभी देखोगे आगे। देख सकते हैं आप, ये घटिया आदमी क्या लिखवा के लेके आया है केक के ऊपर, ओवर एक्टर। मुझे सेट कर ले तू अपनी, पहले कुछ बोलना चाहेंगे अपनी इस घटिया हरकत के बारे में आप? नहीं, ये सब करते हो आप? अगर आप लोगों ने नोटिस किया हो, ये वही निखिल है वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं, जिसको लोग समझ लेते हैं कि हेट कमेंट है। ये मेरे बहुत ही प्यारे मित्र हैं, इनको तमीज बिल्कुल नहीं है, पर बिल्कुल। फिर से आ गई है ये लड़की, पीछे नहीं छोड़ती मेरा। फिलहाल हम यहाँ खा चुके हैं तोरी, हमने बहुत सारी फोटोज खींची जो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं जाके। जो नहीं देख सकते प्लीज जाके फॉलो करें, स्क्रीन पे पॉप हो रही होगी मेरी आईडी OOTD। उलाला। और अब हम वेट कर रहे हैं मिस्टर निखिल वर्मा की, जिसको हम इससे पहले मिला था। मेरा बर्थडे 2-3 दिन से चल रहा है, खत्म ही नहीं हो रहा। सो गाइज कुछ मैंने आप लोगों को ऑलरेडी दिखा दिए थे और कुछ मैं आपको अब दिखा रही हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये जो मैंने टी शर्ट अभी डाली हुई है, दिस इज स्मेली कैट व्हाट आर दे फीडिंग यू। ये उन लोगों को पता होगा जो फ्रेंड्स के फैन हैं, और सबको पता है कि फीबी मेरी फेवरेट कैरेक्टर है। तो जो मेरे कॉलेज फ्रेंड्स हैं जो जिनको आपने जूम कॉल पे देखा था, उन्होंने मेरे लिए ये टी शर्ट भेजी है। ये एक कुर्ती है, ये जिनमें स्कूल फ्रेंड्स के साथ में गई थी फॉरेस्टल रिजॉर्ट, उन्होंने ये दिया है मुझे। एंड द लास्ट वन इज बाय निखिल वर्मा। तो उसने हमें काफी यूजफुल चीज दी है जो हमें YouTube के लिए रोज चाहिए होगी, विच इज अ रिंग लाइट। सो दैट्स ऑल। क्योंकि मैंने मम्मा के चैनल पे बोला था कि मैं सबको गिफ्ट्स दिखाऊंगी, इसलिए मैंने आप सबको गिफ्ट्स दिखा दिए हैं। सो थैंक यू सो मच टू ऑल माय फ्रेंड्स फॉर ऑल द लवली गिफ्ट्स। सो गाइज फाइनली मेरा बर्थडे खत्म हो ही गया 2-3 दिन के बाद। आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली एंड ऑल माई फ्रेंड्स जो यहाँ पे थे और जो यहाँ पे नहीं भी थे। उन सब ने इतने ज़्यादा एफर्ट्स लगाए टू मेक माई डे स्पेशल। दे डू दिस ईच एंड एवरी डे। आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर ऑल माई फ्रेंड्स जो हैं मेरी लाइफ में इस पॉइंट पे, एंड ऑब्वियसली माई फैमिली। आप सब जानते हो कि मेरी फैमिली कितनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग और सपोर्टिव है हर चीज़ को लेकर। आई एम रियली ब्लेस्ड विद द बेस्ट पेरेंट्स एंड विद द बेस्ट फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच। यू मेड माई डे the most extraordinary thing in the world. So we hope आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई और आप लोगों के फेस पे एक स्माइल आई होगी। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी कमेंट डाउन बिलो। So until then, have a blooper life.